अब हम चलते हैं माइक नंबर दो पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर दो से। मेरा नाम है देवाशीष सरकार, मैं पहले हिंदू था, मैं और मेरी लड़की दोनों एक साथ इस्लाम कबूल करना चाहता है। माशाल्लाह, भाई और भाई की बेटी दोनों इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। आपकी बेटी क्या खवातीन के शोबे में है? माइक्रोफोन पे है। वो है आपके हाथ में, माशाल्लाह। भाई साहब, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ, जरूर मानता हूँ। आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है? बिल्कुल गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आखिरी पैगंबर है। भाई साहब, आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई नहीं, कोई शख्स नहीं। कोई भी दबाव है? कोई दबाव नहीं है। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं दे रहा है। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? दिल से। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे है। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। और इंशाल्लाह मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको ये जिंदगी और आखिरत में सबसे अच्छी जिंदगी दे और आपको जन्नत में ले जाए, और इंशाल्लाह आपके जरिए और लोगों को भी इस्लाम का पैगाम फैलाए इंशाल्लाह। गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। माइक नंबर एक पर एक गैर मुस्लिम बहन हैं जो सवाल करना चाहती हैं, बहुत बेकरार हैं, वो माइक नंबर एक पर आएं और अपना सवाल करें। मेरा नाम है मेरीना गांव ठाकुरगंज, हम मुसलमान बहना चाहते हैं। बहन, आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? पैगंबर है। माशाल्लाह। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई नहीं। आप पे कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु व रसूलु। मैं शहादत देती हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको इंशाल्लाह और हिदायत दे और आपको जन्नत नसीब फरमाए इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। अगला सवाल माइक नंबर दो से, कोई गैर मुस्लिम भाई अगर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम जानकी बल्लभ शास्त्री है, मैं आपके हाथ से कलमा दोहराना चाहता हूँ और मुझे कलम पाक अपने हाथों से प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं हजारीबाग झारखंड से चार साथियों के साथ आपका किशनगंज आया हूँ, कृपया मेरी बात पर तवज्जो दें। माशाल्लाह, भाई साहब, आप मानते कि खुदा एक है? जी सर। आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? आखिरी पैगंबर है सर। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं सर। आप अपने मन से कर रहे? जी। आप अपनी मर्जी से कर रहे? जी। आप पे कोई भी दबाव? नहीं। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके
उसके पैगंबर और बंदे हैं माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आपको बेहतरीन जिंदगी दे, इंशाल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। सर मेरा कलम पाक से। आप इंशाल्लाह स्टेज पे आ सकते हैं, जब तक आएंगे हम इंशाल्लाह और एक सवाल ले सकते हैं। आप स्टेज पे आ सकते हैं भाई साहब, आप स्टेज पे आइए और जब तक कोशिश करेंगे कि और एक सवाल का हम जवाब दें। जब तक हम चलते हैं माइक नंबर 3 पर, माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 3 से। मेरा नाम राजकुमार सिंह हो, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन, प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उसे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उसे, ये इसका सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शरायत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शरायत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1-3 तक में लिखा है, वल अस इन्नल इंसान लफी खुस इल्लज़ीना आमनु व आमिलु सालिहाती व तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं जमाने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है, सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सालेहात अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासव बिल हक लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासव बिस सब्र लोगों को सबर की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासव बिल हक दावा देना, नंबर 4 वतवासव बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स दे के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पर जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है, आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 out of 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं क्यों? नहीं नहीं, लेकिन मुझे 5 में से 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए, 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, 1 में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए, आप समझे, शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है ना, चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा और सबर की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। मेरा नाम इंद्रदेव पासवान है,
और पेशे से वकालत करता हूँ, खगरा का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है, तथाकथित रूप से जिहाद के नाम पर कुछ कट्टरपंथी तत्व मासूम लोगों को गुमराह कर उनके द्वारा अमानवीय कार्य कराते हैं, जिससे पूरा मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम हो गया है। अतः जिहाद क्या है और जिहाद के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए। भाई साहब ने पूछा और कहा कि कुछ लोग जिहाद के नाम पे लोग को गुमराह करते, इसीलिए इस्लाम का नाम खराब हो चुका है। आप बताइए जिहाद क्या है। सबसे ज्यादा गलत फहमी अगर इस्लाम में किसी शब्द के बारे में है, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों में, वो है लफ्ज जिहाद। मुसलमान और गैर मुसलमान अक्सर समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे अपने फायदे के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे दौलत के लिए, उसे कहते जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान लड़ाई कर रहा है जमीन के लिए, अपने फायदे के लिए, दौलत के लिए। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद। जिहाद के मानी जिद्दोजहद। इस्लाम के पसे मंजर में अगर कोई इंसान अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है, अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है गलत काम के खिलाफ, इविल इंक्लिनेशन, शैतानी हरकत के खिलाफ, उसे कहते जिद्दोजहद। जिहाद उसे भी कहते हैं जो जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं जो एक जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है। अगर कोई जंग के हालत में अपने बचाव के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे भी कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। अक्सर लोग जिहाद का तर्जुमा करते हैं पाक जंग, ये गलत तर्जुमा है। ये था होली वॉर ईसाई लोग को डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे कुरान मजीद में पाक जंग का तर्जुमा अरबी में करेंगे तो होता है हर्ब मुकद्दसा। कुरान में कहीं भी पढ़ो, कहीं भी लफ्ज हर्ब मुकद्दसा नहीं है, कोई भी हदीस में नहीं है, ये वेस्टर्नर्स ने लेबल दिए है। जिहाद की मानी जिद्दोजहद, और कुरान में साफ लिखा है सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिवाय कत्ल के बदले कत्ल, मर्डर के बदले मर्डर, या अगर वो इंसान फसाद फैला रहा है इस धरती पे, इसके अलावा कोई भी इंसान मासूम इंसान का कत्ल करता है, गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है वो सारे इंसान को बचाता है, ये सिर्फ कुरान में है, कोई भी मजहबी किताब में नहीं। लेकिन मीडिया ऐसे गुमराह लोग को पिकअप करके बताती है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। इसके पूरे जवाब के लिए आप मेरी कैसेट देखिए, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पसे मंजर में।